बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णादास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नया कोई आ रहा है और एंजल की गाइडेंस। सिंगल ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके का सिंगल मानते हो। पहले रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं हो, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के जो भी सिंगल्स हैं आपकी पास्ट की एनर्जी को पहले चेक करेंगे। पेज ऑफ सोर्स, मुझे लगता है पास्ट में आपका किसी के साथ रिश्ता था, दोस्ती थी, आप चीजों को लाइटली ले रहे थे, एक दोस्ताना माहौल को समझ रहे थे। रिश्ते में दोस्ती रहना, किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, साथ ही साथ किसी को स्टॉक भी आप कर रहे थे, स्टॉकिंग की एनर्जी में भी आप थे। ऑनलाइन किसी के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं तो दोस्ती का जैसा रिश्ता तो आपको हुआ ही था और आप उस रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व भी पा रहे थे, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे लाइफ में और आपका जो एनर्जी था वो आप हर वक्त उनको स्टॉक करते थे, ऐसी आपकी एनर्जी थी और आपके माइंड भी क्लियर था कि आपको क्या करना है इनके साथ, मतलब रिश्ते में किस तरीके का रिश्ता निभाना है। इस क्लियर माइंड के साथ, क्लैरिटी के साथ आप रिश्ते आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे पास्ट में, या फिर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी, रिश्ते में किसी बात की क्लैरिटी की ज़रूरत थी और वो आपको मिल भी गया था। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसा है एरीज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है प्रेजेंट में आप उसी चीज का इंतजार कर रहे हो। हालांकि आप अभी अकेले हो लेकिन आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस को वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे हो, साथ ही साथ किसी की आने की इंतजार आपका है। आप खुश हो कि आपके पास पैसे हैं, ग्रोथ है, अबंडेंस है, आपके पास सक्सेस है, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो। जो मेहनत आपने किया था उसका जो परिणाम है, उसका जो फ्रूट्स है, मेहनत की जो परिणाम है उसको आप पाने का इंतजार कर रहे हो और आपके दिमाग में जैसा कि मैंने पहले ही कहा पूरी तरीके से क्लैरिटी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आप चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो कर रहे हो, स्पिरिट के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हो। जो भी चीज़ आप कर रहे हो आपको ये लग रहा है कि जो भी हो रहा है ये स्पिरिट की एनर्जी है, ये यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, उनकी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। आप अपने सक्सेस का जो श्रेय है वो भी आप यूनिवर्स को ही, हर किसी को देना चाहिए क्योंकि उनके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से सोच रहे हो, आपका सोच जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहा है और आप अपनी सक्सेस को भी एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ किसी की आने का इंतज़ार भी आपके आँखों में है और पैसे, कहीं से पैसे मिल जाए जो इन्वेस्ट किए थे उसका इंतज़ार भी आप कर रहे हो। देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ सोर्ट्स, हाँ आने की चांसेस तो है पास्ट से कोई अगर आ रहा है, जैसा कि जिनके साथ आपका डिजिटल कम्युनिकेशन हुआ था, बहुत
मेरिटोरियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, जो खुद को एस्टेब्लिश्ड मैन या वोमेन है, जो खुद की अपने पैरों पर खड़ा है, जो दिमाग से बहुत ज्यादा सोचता है दिल से कम। हाँ, वैसा कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में एंट्री हुई थी कभी उनकी, तो वो आ सकते हैं, वो आपके साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या नया किसी के आने की चांसेस है आपके लाइफ में एरीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली नया आने के चांसेस है। जो लोग नए के बारे में सोच रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वहां से उसका परिणाम आए उसका इंतजार कर रहे हो, कहीं आपने किसी के साथ मिलके कोई काम बिजनेस वगैरह शुरू किया था उससे कुछ पैसा आ जाए उसका इंतजार कर रहे हो, तो वहीं से कोई बंदा या बंदी आपके साथ कनेक्ट कर सकता है, जो आपसे एज में छोटे होंगे, लेकिन कितना भी छोटे हो उनका जो दिमाग है वो पैसों के मामले में बहुत अच्छा चलता है और बहुत परफेक्शन के साथ वो काम करने वाला बंदा या बंदी है। वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाला कोई बंदा या बंदी होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा या बंदी होगी और वो हमेशा आगे बढ़ के चीज़ें करने के बारे में सोचता है। अभी हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। एरीज के जो सिंगल्स हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन आपको जो बोल रहा है आपको वही करना चाहिए। कुछ भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे रिश्ते में जाना, चाहे नए काम शुरू करना, कुछ रिश्ते पुराने रिश्ते में वापस जाना या नए रिश्ते में जाना, जो भी आप करना चाहते हो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, जो आपको सही लगे आप वो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।